খুললাম খা দোল রোগ নরক ন লমসগো নিউক্লিয়ার একটা 2020 ইউটিউব চ্যানেল ও ওর হ্যাপি বিলেটেড হ্যাপি নিউ ইয়ার টু অল অফ ইউ। আই এম সরি মুঝে মেরি ভিডিও আনে মে বহুত জাদা টাইম লাগ গিয়া ক্যোঙ্কি অভি না কুছ দিনো সে মে বহুত বিজি চল রহা হুঁ ক্যোঙ্কি এক্সাম চল রহা হ্যায় প্লাস নিউ ইয়ার থা ওর ভি বহুত সারে ইভেন্টস হুয়ে হ্যায় ওর কুছ ফ্রেন্ডস কে জো হ্যায় বার্থডে থে তো जो पार्टी वगैरह में जो है बिल्कुल टाइम जो है नहीं मिल रहा था। और फाइनली आज मैंने वीडियो शूट करने का मन बना लिया क्योंकि आज सुबह ही जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो आई थिंक आपको अगले दिन मिलेगी क्योंकि मैं शाम को शूट कर रहा हूँ तो एडिट होने में फिर डाल ढूलने में नेक्स्ट डे सुबह आपको 9 बजे तक मिल जाएगी। तो आज सुबह मैंने बीवा जुमातिया जी का स्टोरी देख ली और स्टोरी में उनका ये सॉन्ग था तो मैंने हल्का सा देखा 1-2 सेकंड के लिए, फिर मैंने कहा कि भाई आज तो वीडियो बनानी ही पड़ेगी तो फाइनली मैं शूट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपसे सिर्फ 1-2 बार शायद और मिल पाऊँ, पर 7 जनवरी के बाद से मैं रेगुलर हो जाऊँगा क्योंकि 7 जनवरी को जो मेरा जो है कुछ काम वो ख़त्म हो जाएगा तो मैं फ्री हो जाऊंगा तब। तो उसके बाद हमारी मुलाकात होने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना अब लग गया है। ठीक है, अब बात करते हैं वीडियो के बारे में। और हाँ, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे जो है वो बताइएगा कि आप लोगों का जो न्यू ईयर है वो कैसा गया। और अभी कोविड की वैक्सीन भी जो है पूरे इंडिया में जो है अब अवेलेबल होने वाली है और मैंने सुबह ही न्यूज़ थी पढ़ी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फ्री में देगी वैक्सीन। हाँ, वो देखो मैंने पूरी न्यूज़ तो जो है मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने सिर्फ हेडलाइन पढ़ी थी तो हेडलाइन जो पढ़ के जो मुझे आया था समझ में उससे मुझे इतना तो मालूम पड़ा था कि गवर्नमेंट जो है ये कोविड की वैक्सीन जो है फ्री में देने वाली है और तो अच्छा है। अगर पर यंगस्टर्स को ये वैक्सीन नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट की कुछ प्रायोरिटी लिस्ट है और उसमें यंगस्टर्स नहीं आते हैं। ठीक है, उसमें आते हैं 40-50 के ऊपर के लोग या फिर जिनको जो है पहले से कोई मतलब कोई और डिसीज़ है जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह या फिर कोई और ऐसी डिसीज़ जिनकी वजह से उनकी इम्यूनिटी जो है वीक है। तो इम्यूनिटी वीक वालों को और जो थोड़े एज्ड है गवर्नमेंट उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख रही है, यंगस्टर्स अभी भी जो हैं भगवान भरोसे हैं। ठीक है, तो अब जो है बात करते हैं जो आज की जो वीडियो है और ये वीडियो के टाइटल में जो है जोनिफर नुनसियो जमातिया पार्टी फीट अच्छा परमिता रियांग है साथ में। ओके, और ये आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी जॉनी जोंग रिकॉर्ड्स पे, जॉनी जोंग रिकॉर्ड्स यूट्यूब चैनल पे इस ये ओरिजिनल वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो प्लीज़ वहाँ पर जाके भी इनके ओरिजिनल सॉन्ग को भी ज़रूर सुनिएगा अगर आपने नहीं सुना है तो। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी कास्टिंग का। तो म्यूज़िक जो है वो जॉनी जोंग रिकॉर्ड्स ने दिया है और डायरेक्टेड एंड एडिटेड बाय जोनिफर नुनसियो जमातिया और इसमें बीवा जमातिया जी हैं। ठीक है, तभी तो वीडियो आज शूट हो रही है। ओके, और कास्ट है, कास्टिंग में बहुत सारे देवर्मा हैं, बहुत सारे हैं भाई। फर्स्ट है मिनल के देवर्मा, मेदले देवर्मा, जेनी देवर्मा, गौतम देवर्मा, कौशिक देवर्मा, अंकसा देवर्मा और सिनेमाटोग्राफी मफचांग देवर्मा एंड अंकसा जमातिया। ओके, मैं एक नाम ढूंढ रहा हूँ, वो नाम यहाँ नहीं मिल रहा मुझे, मिस्टर सोकांग का। ओके, तो इसमें नहीं है, फाइन। ओके, वरना वो हर सॉन्ग में जो है वो डिस्क्रिप्शन में उनका नाम मुझे हर दूसरे तीसरे सॉन्ग में तो मिल ही जाता, तो वो नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी सारा तो जो मैंने आपको मोटा मोटा वो बता दिया, फटाफट सॉन्ग सुनते हैं क्योंकि मैंने जब से स्टोरी में हल्का सा मैंने देखा था तब से मैं चाहता था कि मैं सॉन्ग सुनूं पर मैंने सुना नहीं था, ऑब्वियस ही बात है ना, अगर मैं सुन लेता तो फिर एक्शन कैसे होता। तो अभी मैं आप लोगों के साथ सॉन्ग सुनूंगा और देखते हैं कैसा है सॉन्ग। सो अब देर ना करते हुए
সেই ভিডিও চ্যানেলস না। ओके सबके सब पार्टी एनिमल है यहाँ पे। आई विल सॉन्ग है ना। This is JNJ, exclusively from Johnny Chan Records. Come on, check this out. ये रूप को मैंने इनका जो है फर्स्ट टाइम देखा। रैप जैसा है ना सॉन्ग, थोड़ा बहुत तेज है और पैदल भी नहीं है सुनना। वैसे म्यूजिक अच्छा है, चिकन साउंड है। इस तक काफी कॉमन है। Baby, nung lepe gya kuna, at least study one more shot. Me him yasani starta kaidi nini boring lap dog. Shana hung ke shadi anu nung gi nung lepo mo talk. Whiskey ram or vodka pa hai jani unna black dog. Gebo nung gya kuna o jaga o nung ay bure. Chala kuri inta daily unna movie kuri pure. Khoro gromi nadi, kugo lu di shot. Who we see di ham ya kaisa nini live ni spot. यार तो हुक्का बैन हो गया यार, भाई अभी हुक्का पी रहा था, कोविड की वजह से बैन हो गया। Do not drugs, alcohol is ingested. सही है भाई, ये भी सही है। सॉन्ग था पार्टी सॉन्ग, पूरा थीम अल्कोहल वाला और बाद में वार्निंग भी दे दी। बढ़िया, ये अच्छा किया कि लिमिट पे पीना चाहिए भाई, वरना वरना आपको ड्रॉप करने कोई और आएगा। ठीक है, और क्या सॉन्ग तो देखो, लोकेशन वाइज मैं अगर जो बात करूँ तो लोकेशन जो है वो मैं देखा था कि कोई ऐसी रिमोट सा एरिया सा है और उसको ऐसे जो है मतलब इस सॉन्ग के अकॉर्डिंग जो है पूरा डेकोरेट कर रखा था, लाइटिंग वगैरह, स्मोक स्मोक्स वगैरह। ठीक है, बाकी सॉन्ग बहुत सही था और भीमा जमातिया जी बहुत हॉट लग रही थी। ठीक है, हॉट वर्ड बिल्कुल सही था, इस क्यूट तो वह हैं ही, प्लस उनका हॉटनेस अवतार मैंने पहली बार देखा है वो हॉट वाला, क्योंकि मुझे नहीं याद आ रहा कि मैंने उनकी कोई भी वीडियो देखी हो जिसमें उन्होंने इतना बोल्ड रोल किया हो, वरना हमेशा उनका तो ना क्यूट सा वो रोल ही होता है। तो ये उनकी आई थिंक फर्स्ट वीडियो है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इनकी फर्स्ट वीडियो ही ऐसी देखी है जिनमें वो इतनी हॉटनेस वाली जो है लुक में आई है, या फिर ऐसे जो है वो पार्टी एनिमल वाली जो होती है ना लुक, एकदम वैसे भी दिख रहे थे कितनी ज़्यादा वो मतलब वो ड्रंक थी और लास्ट में तो वो बेहोश ही हो गई, बेहोश नहीं कह सकते, सो गई नशे की वजह से।
ओके ये रिलीज हुआ था एक दिन पहले, यानी जो कल ही आया होगा। ओके तो न्यूयॉर्क पे किया है, पर इनको आई थिंक 31st को जो है करना चाहिए था। एक मिनट, ये रिलीज कब हुआ था, कितने दिन पहले हुआ है रिलीज? 2 दिन पहले। ओके ओके ठीक है, तो ये 31st को है। हाँ फिर सही है, फिर सही है। 31st को ही तो न्यूयॉर्क की जो पार्टी होती है, तो ठीक है, मतलब बहुत सोच समझ के इसका जो है वो रिलीज किया गया है। ओके सो ये जो है पार्टीज में काफ़ी फिर जो है वो प्ले भी हुआ होगा, और थोड़ा रैप सा सॉन्ग था क्योंकि जो है बहुत तेज था। तो आप लोग बताइए आपको ये सॉन्ग जो है कितना पसंद आया, और आप में किसने अपने अपनी जो है पार्टी में या फिर अपने घर पे इस सॉन्ग को जो है न्यूयॉर्क की शाम को प्ले किया था। बाकी सॉन्ग बहुत सही था, और भीमा जमातमा जी जो है एज यूजुअल उनका काम तो बेस्ट होता ही है, तो इसमें भी जो है उन्होंने बहुत सही किया। ठीक है, बाकी मेल ये डाइजेस्ट करना थोड़ा सा वो हो रहा था कि भाई बोलना बिल्कुल एक अलग रोल में आ गई हैं, इतना क्यूट सी प्यारी सी छोटी सी प्यारी सी जो है ना फेरी जैसे वो मतलब परसेप्शन है उनका, मतलब मेरा उनके लिए। और अब वो एकदम से जो है बिल्कुल ही मतलब ऑपोजिट रोल में, एक जो है पार्टी एनिमल जो होता है एकदम एकदम जो है पीने खाने वाला, भाई अपने को बस पार्टी चाहिए। पर कोई नहीं, मुझे ये रोल भी उनका जो है बहुत पसंद आया। ठीक है, आई होप हम उनको और डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में जो है आगे भी देखेंगे, ताकि हमें और मालूम पड़े कि भाई वो कितनी मतलब, अगर वो जितने ज़्यादा डिफरेंट रोल कोई एक्टर जो है करता है, तो उसी से मतलब उसी से जो है मालूम पड़ता है वो कितना अच्छा एक्टर है। तो आज उन्होंने जो है प्रूव कर दिया कि वो एक्टर बहुत अच्छी है। ठीक है, ये वाला रोल भी उन्होंने खूब वो क्या बोलते हैं हिंदी में, बड़ा भारी सा वर्ड है वो, बखूबी निभाया है। आई थिंक ये उर्दू वर्ड है, चलो जो भी है आप तो समझ गए होंगे। ओके अब मिलते हैं अगली वीडियो पे, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड वंस अगेन आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। बाय बाय।